Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding. And under this series, we are just discussing about the stereochemistry and bonding in main group compounds. Okay, तो बच्चों आपका स्वागत है इस chemical bonding की lecture series में, जहां पर हम stereochemistry and bonding in main group compounds को discuss कर रहे थे. Okay, और यहां हम इसमें जो discuss करने वाले हैं specially some simple reactions of covalently bonded molecules. तो उसका part one है, जहां पर हम चार तरीके की सिंपल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो उसका पहला पार्ट यानी 14A हम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक इन्वर्जन. तो एक रिएक्शन है जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिसको शो करते हैं. देखिए एटॉमिक इन्वर्जन है क्या बच्चों. एटॉमिक इन्वर्जन को हम अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं और इसको हम पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हैं. ओके, तो एटॉमिक अम्ब्रेला और पिरामिडल इन्वर्जन एक ही रिएक्शन को दर्शा रहे हैं. तो चाहे हम उसको एटॉमिक इन्वर्जन कहें या हम उसको अम्ब्रेला इन्वर्जन कहें या हम उसको पिरामिडल इन्वर्जन कहें. अब ये किस तरीके के मॉलिक्यूल्स में होता है, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये एटॉमिक इन्वर्जन होता है? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री पिरामिडल होती है उनमें ये एटॉमिक इन्वर्जन होता है. ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनमें एटॉमिक इन्वर्जन होता है. और एटॉमिक इन्वर्जन वहां होता है जहां ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती. तो ये तीन कंडीशन है, इन कंडीशनों को जो फॉलो करता है, जो भी फुलफिल करते हैं जो मॉलिक्यूल्स, दे अंडरगो एटॉमिक इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन और पिरामिडल इन्वर्जन. ओके, और ये जो एग्जाम्पल्स आप यहां पर देख सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, दीज आर amines and these are arsenes, then carbon ions, जहां पर lone pair की जगह पर आप देख रहे हैं negative charge है, then phosphines, then stilbene and then sulfoxides. तो ये ऐसे molecule हैं जहां पर आप देख रहे हैं pyramidal geometry है, और pyramidal geometry के साथ यहां पर lone pair of electron भी है, carbon ion में ये negative charge है. तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल हैं दे फुलफिल ऑल आर नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, सो दे शो एटॉमिक इन्वर्जन रिएक्शन. तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एटॉमिक इन्वर्जन शो करते हैं. तो हमने यहां पर एक जिक्र किया कि नॉन ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब आप देखिए नॉन ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां पर होती है. ओके, और जो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको जानने के लिए हमें पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को जानना होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है एंड कायरेलिटी क्या है. ओके, तो यहां पर आप देखिए कि एक सेंटर के साथ जो कि टेट्राहीड्रली अरेंज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर है, इसके साथ सब डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े रहते हैं. तो ऐसे सेंटर को हम क्या कहते हैं, कायरल सेंटर. तो ये कायरल सेंटर है. इस काइरल सेंटर जिस कंपाउंड में होता है, आज तक आपने ये पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं. तो एक जो मस्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, काइरलिटी मस्ट है. ओके, अब अगर हम यहां ये मॉलिक्यूल देखें, देखिए ये मॉलिक्यूल अमीन है, और इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे तो यहां पर चार डिफरेंट ग्रुप्स है, एक R1 है, R2 है, R3 एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चार डिफरेंट ग्रुप हैं, तो हमें ये जानना है क्या ये मॉलिक्यूल काइरल कहलाएगा. तो ये काइरल है या नहीं है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये केवल एक जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है. इसके अलावा और कौन सी कंडीशंस हैं जो बताती हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है. हम जानेंगे कि नो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि हमें यह जानना है क्या इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें किराल सेंटर है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है. तो इसके लिए हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती. तो उसके लिए तीन मेन कंडीशन है बच्चों. एक तो है कि मॉलिक्यूल में एक काइरल सेंटर होना चाहिए, दूसरी जो कंडीशन है वो है मीजो मॉलिक्यूल होना चाहिए,
अगर वो मीजो मॉलिक्यूल है तो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव है, या अगर उसमें एक आइरल सेंटर है तो वो नॉन ऑप्टिकल एक्टिव है, या फिर अगर वो रेसिमिक मिक्सचर है यानी उसमें दो आइसोमर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब वो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर होती है किसी मॉलिक्यूल में तो वो नॉन ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, नहीं तो वो ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, देखिए जैसे ये काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर का मतलब इस सेंटर से चार डिफरेंट ग्रुप्स का जुड़ा होना, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सिमिलरली आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो तीन इसमें ये ग्रुप्स हैं और एक इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो ये एक काइरल सेंटर तो नहीं है। वैसे ये क्या है, काइरल सेंटर इसमें है तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, देखें है या नहीं है। अब देखिए मीजो मॉलिक्यूल, मीजो मॉलिक्यूल का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जहां पर दो काइरल सेंटर हो तो ये मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री होती है तो देखिए आप यहां पर अगर हम यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये प्लेन क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाफ पोर्शन है ओके, और ये जो हाफ पोर्शन है ये एक दूसरे से क्या है, मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल मीजो मॉलिक्यूल है। ओके, तो अब आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहां पर तो एक काइरल सेंटर है तो ये मीजो तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये मीजो मॉलिक्यूल नहीं है और इसमें काइरल सेंटर भी है तो इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पिरामिडल इन्वर्जन और एटमिक इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो जहां पर भी अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा वहां पर आप देखेंगे कि इसके दो टाइप के मॉलिक्यूल साथ में एग्जिस्ट करेंगे। एक मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा बच्चों, ये देखिए अगर हम ये देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल भी सॉल्यूशन में मौजूद रहता है, इसको हम कहेंगे ये देखिए आप। तो आप इस तरीके से देखेंगे दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, सो दिस इंटर कन्वर्जन इज नोन एज पिरामिडल इन्वर्जन। और आप देख सकते हैं यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड है और यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो ये एक तरीके से इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको हम काइरल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में ये रहता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें की देखिए जो कि रेसिमिक मिक्सचर होता शो कर रहे हैं, यानी जहां पर एटॉमिक इन्वर्जन होगा, अब आप ये याद रखिए कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एटॉमिक इन्वर्जन शो करेंगे वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। हमारा निकला बच्चों कि अगर मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, अगर मॉलिक्यूल कैसा होता है, अगर उसमें एटॉमिक इन्वर्जन और पिरामिडल इन्वर्जन होता है, ओके इन्वर्जन होता है, तो वो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो जहां पर एटॉमिक इन्वर्जन हो रहा है चाहे वहां पर काइरल सेंटर हो, तो इस तरीके से हम इस मॉलिक्यूल को एक तरीके से नॉन काइरल भी कह सकते हैं। वैसे तो वो काइरल सेंटर है उसमें, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये जो जहां पर एटॉमिक इन्वर्जन होगा वो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, चाहे उनमें किराल सेंटर हो चाहे उनमें काइरल सेंटर हो, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एटॉमिक इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो वो कैसा मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब है जहां एटॉमिक इन्वर्जन है नॉन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको अगर कोई एग्जांपल मिले और आपसे कहा जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है जबकि उसमें काइरल सेंटर होगा, तो अगर उसमें एटॉमिक इन्वर्जन आसानी से होता है तो वो कैसा होगा, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव। अगर उसमें एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, अगर उसमें काइरल सेंटर है तो।
हम देखेंगे कि एटॉमिक इन्वर्जन का मतलब क्या है बच्चों। एटॉमिक इन्वर्जन क्या है, इसका मतलब है नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर न तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, न ही बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, तो एक तरीके से कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। बट आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है, यहां पर हमने अमोनिया में एटॉमिक इन्वर्जन दिखाया है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो 3H बॉन्ड है, देखिए ये अम्ब्रेला का अगर हम एक पार्ट दिखा दें तो जब इसमें एटॉमिक इन्वर्जन होगा तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो इसको हम पिरामिडल इन्वर्जन कहें या एटॉमिक इन्वर्जन कहें, ये बात एक ही है। तो ये अमोनिया में जो एटॉमिक इन्वर्जन होता है, यहां पर जो एटॉमिक इन्वर्जन के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो 25 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये एनर्जी इतनी कम होती है कि ये रूम टेम्परेचर पर आसानी से क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। सी द मैकेनिज्म ऑफ पिरामिडल और एटॉमिक इन्वर्जन। अब आप एटॉमिक इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन का मैकेनिज्म देखिए। आप देखिए ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल जहां पर नाइट्रोजन कैसी होती है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ये जो कन्वर्ट होता है फाइनली, यहां पर नाइट्रोजन अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो इस मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर है वो है पिरामिडल। ओके, पिरामिडल स्ट्रक्चर है और यहां पर भी जो स्ट्रक्चर है फाइनल जो बन रहा है या जिनके बीच में एटॉमिक इन्वर्जन हो रहा है, इसकी ज्योमेट्री भी पिरामिडल है। तो यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। ओके, तो फाइनली होता क्या है कि ये एक इंटरमीडिएट यानी एक ट्रांजिशन स्टेट है। इस ट्रांजिशन स्टेट से होता हुआ ये किस में कन्वर्ट होता है, दूसरे पिरामिडल स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्ट होता है। और ये जो इंटर कन्वर्जन है इट इज वेरी फास्ट, तो ये इंटर कन्वर्जन बहुत फास्ट है बच्चों। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो शेप है ये कैसा है, प्लेनर शेप आप देख रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, जो एच है वो ट्राइगोनल प्लेनर पोजिशन पर है, जबकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट रिसाइड्स इन प्योर पी ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है वो प्योर पी ऑर्बिटल है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन ऑन नाइट्रोजन क्या हो गया, sp2। तो यहां पर आप देखेंगे जो एक sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर था वो पहले sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर में कन्वर्ट होता है, देन अगेन दैट sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर विल कन्वर्ट इनटू sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर। तो इस तरीके से एटॉमिक इन्वर्जन होता है। यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्योर पी ऑर्बिटल में है, जबकि यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन इट रिसाइड्स इन दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन और एटॉमिक इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन। If we see the energy diagram for atomic inversion, then we find this is the molecule, this is the reactant molecule, and this is the product molecule. And during this inversion, an energy barrier is required so that this molecule will interconvert into this molecule. तो यहां पर आप देख रहे हैं certain energy की जरूरत है, इस energy को हम कहते हैं this is the energy barrier for atomic inversion। और इस barrier में आप देख रहे हैं ये pyramidal molecule है, ये किस में convert हो रहा है, planar molecule में, और फिर से ये planar molecule किस में convert हो रहा है, pyramidal molecule में। तो ये जो energy है इस पर depend करेगा कि atomic inversion होगा या नहीं होगा। तो इफ दिस एनर्जी बैरियर इज वेरी लेस देन एटॉमिक इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस वेरी इजीली, तो एटॉमिक इन्वर्जन आसानी से होगा। लेकिन अगर ये बैरियर बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक इन्वर्जन उतनी आसानी से नहीं होगा या नहीं होगा। तो धीरे धीरे हम उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे बच्चों, और हम देखेंगे कि कहां पर यह एटॉमिक इन्वर्जन होगा और कहां पर एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होगा। एनर्जी बैरियर को देखें तो देखिए अमीन कंटेनिंग जो कंपाउंड है वहां पर अमीन जो एनर्जी बैरियर है वो कम होता है। प्योर अमोनिया का जो एनर्जी बैरियर है वो है 25 किलो जूल पर मोल, जबकि जो मिथाइल देखिए मिथाइल प्रोपाइल अमीन इसका जो एनर्जी बैरियर है वो भी बहुत कम है, 40 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए ये भी आसानी से एटॉमिक इन्वर्जन करता है। तो यहां पर भी एटॉमिक इन्वर्जन होगा, सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसका रेसिमिक मिक्सचर मिलता है और इसका आइसोमर सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो जहां पर आइसोमर सेपरेट नहीं किया जा सकता वो ऑप्टिकली एक्टिव
नहीं है, क्योंकि ये जब दूसरे मॉलिक्यूल में जब ये कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जांपल इस टाइप के मॉलिक्यूल में, तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसमें जरूर इसमें एक सेंटर है जो कि काइरल सेंटर है, ये काइरल सेंटर है, लेकिन ये दोनों रिजॉल्वेबल नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इनमें एटॉमिक इन्वर्जन होता है। तो जहां पर भी एटॉमिक इन्वर्जन होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, ये इतने फास्ट होता है, देखिए 30 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड फॉर अमोनिया। अमोनिया के केस में रूम टेम्परेचर पर ये जो इंटर कन्वर्जन है ये इतना फास्ट होता है। मॉलिक्यूल को देखिए, जहां पर एक एच को एक फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया है, हमने इससे पहले हमने एक मॉलिक्यूल देखा था, तो यहां पर भी आप देखेंगे इन्वर्जन होगा। दी टू स्ट्रक्चर्स दे आर इंटर कन्वर्टेबल बट द एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई, यहां पर एनर्जी बैरियर बहुत हाई है, तो लेकिन इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। सो आप ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में भी वैसे काइरल सेंटर है, बट इसको हम नॉन काइरल सेंटर क्या मॉलिक्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी नहीं है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि इसमें एटॉमिक इन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन के केस में एनर्जी बैरियर देखें तो एनर्जी बैरियर कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ थ्री मेंबर्ड रिंग। तो अगर नाइट्रोजन एक थ्री मेंबर्ड रिंग का पार्ट होगा तो एनर्जी बैरियर बढ़ेगा, लेकिन इंटर कन्वर्जन होगा, बस केवल बैरियर इंक्रीज होगा, बैरियर बढ़ेगा, बैरियर का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो नाइट्रोजन सेंटर है इसमें स्ट्रेंड रिंग होने के बावजूद भी ये इंटर कन्वर्टेबल है, बस केवल एनर्जी बैरियर हाई हो गया, तो एटॉमिक इन्वर्जन होगा यहां पर, और ये तो एक काइरल सेंटर भी है। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर हमने इसको काइरल सेंटर बना दिया और एक पार्ट को यहां पर सीएसटी से जोड़ दिया, अगेन आप देखेंगे एनर्जी बैरियर इज हाई बट एटॉमिक इन्वर्जन इज पॉसिबल। तो ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पर भी बच्चों एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर एटॉमिक इन्वर्जन आसानी से होगा। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन के साथ, हाँ स्पेशली नाइट्रोजन के साथ जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक इन्वर्जन होगा, और इस एटॉमिक इन्वर्जन के होने से ये रिजॉल्वेबल नहीं है। जो आइसोमर्स, एक आइसोमर ये है और एक आइसोमर ये है, बट दीज आर नॉट रिजॉल्वेबल, दीज आर नॉट एनेंशियोमर्स, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक इन्वर्जन हो रहा है। We will discuss some molecules where atomic inversion is not taking place. जहां पर एटॉमिक इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, यानी जहां पर आप देखेंगे काइरल सेंटर होगा वहां पर, काइरल सेंटर मीन्स जहां पर हम यहां पर बात कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बच्चों, तो या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है जो नहीं होंगी, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वहां पर एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से ऐड कर दें, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है नाइट्रोजन से, तो एनर्जी बैरियर बहुत बढ़ जाता है। नाइट्रोजन के केस में भी हम कह रहे हैं एनर्जी बैरियर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन से रिमूव करेगा। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिमूव करना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का काम है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें पी करेक्टर अधिक होगा वो किन की ओर होगा बच्चों, ऑक्सीजन और सीएल की ओर होगा। ओके, और जब वो ऑक्सीजन और सीएल की ओर होगा, इसका मतलब है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें कि एस करेक्टर अधिक होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि इसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगी, थोड़ी सी मॉलिक्यूल में रिजिडिटी आ जाएगी। दस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द लोन पेयर टू रिसाइड इन द प्योर पी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। मैंने कहा पहले मैं आपको एग्जांपल दूं, और यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, सीएल। अब यहां पर हमने एच हटा दिया। ओके, इस सेंटर को अगर आप देखेंगे तो काइरल सेंटर है। देखिए इसमें चार डिफरेंट सेंटर है, एक सीएल है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक सीएस थ्री है, और एक यहाँ पे सीएस थ्री जो सीएच ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, एक काइरल सेंटर हो गया। जबकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इंटर कन्वर्जन इसका रूम टेम्परेचर
होता है, बड़ा कठिन होता है, नहीं होता है एटॉमिक इन्वर्जन, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जा सकता है। ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है नाइट्रोजन का, जहां पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, सीएल से। तो इसमें एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होता है, नो इन्वर्जन एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, इससे पहले जो आपने एग्जांपल देखे थे वहां पर आपने बच्चों देखा था कि ये देखिए, जहां पर भी आपने लोन पेयर देखा, चाहे यहाँ पर ये काइरल सेंटर हो, लेकिन इसमें इन्वर्जन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस हाइड्रोजन को डायरेक्ट इस नाइट्रोजन से हमने सीएल या ऑक्सीजन जोड़ा, तो इसका इन्वर्जन जो है वो क्या हो गया, कठिन हो गया। इसका मतलब इन्वर्जन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने आपसे ये कहा कि जैसे N है, N के साथ हमने जोड़ा Cl, यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने एक स्ट्रैंड रिंग, और इसको हमने क्या बना दिया बच्चों, देखिए इसको हमने बना दिया काइरल सेंटर। ओके, काइरल सेंटर तो हमने बना दिया। अब क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ने से क्या होगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा, क्योंकि आपने बेंट रूल पढ़ा है, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें पी करेक्टर अधिक होगा वो सीएल की ओर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो यहाँ पर पी करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस साइड। तो इसका मतलब है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर पी करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑर्बिटल उसमें पी करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब पी करेक्टर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आप देखिए जो इंटर कन्वर्जन होता है बच्चों वो क्या होता है, sp3 से किसमें कन्वर्ट होता है, sp2 में, और sp2 से फिर से sp3 में कन्वर्ट होता है, ये होता है एटॉमिक इन्वर्जन। ओके, ये पिरामिडल शेप था, ये जो शेप था ये प्लेनर था, ओके, और ये जो शेप था ये अगेन पिरामिडल शेप था। तो यहां पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, sp3 से sp2, sp2 से sp3। अब आप देखिए कि यहां पर sp3 मतलब s करेक्टर कितना है, 25%। ओके, यहां पर s करेक्टर कितना है, 33%। यहां पर s करेक्टर कितना है, कितना है, अगेन 25%। तो आप देखिए यहां पर जो पी करेक्टर है वो है 75%, यहां पर जो पी करेक्टर है वो है 66%, और यहां पर जो पी करेक्टर है वो है 75%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो सेंट्रल जो पार्ट है वहां पर, जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां पर पी करेक्टर कम हो रहा है। आपने देखा यहां पर पी करेक्टर कम हो रहा है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कहां था, इसका मतलब वो था प्योर पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में है। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है उसमें परसेंट पी करेक्टर कम हो रहा है, परसेंट पी करेक्टर कम हो रहा है, जबकि पी करेक्टर क्या चाहिए, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें प्योर पी करेक्टर चाहिए। तो यहां पी करेक्टर कम हो रहा है क्योंकि पी करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो पी करेक्टर कम हो रहा है, तो कैसे ये अधिक पी करेक्टर यानी प्योर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाना बड़ा कठिन काम है, इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट को बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, जो लोन पेयर है वो प्योर पी ऑर्बिटल में है, यहां जो लोन पेयर है उसमें पी करेक्टर कम हो रहा है, इसलिए ये इसमें कन्वर्ट होना मुश्किल है। तो ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनेगी तो इन्वर्जन नहीं होगा। सो इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज नो इन्वर्जन, यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन नहीं होगा। आप देखिए मॉलिक्यूल ऑक्सीरिडीन है, जहां पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन डायरेक्ट किसके जुड़ी है, ऑक्सीजन के साथ, ये काइरल सेंटर भी है, और इस नाइट्रोजन को हमने डायरेक्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जोड़ दिया, जैसे हमने यहां जोड़ा था। तो इससे क्या होगा बच्चों कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस पर पी करेक्टर बढ़ेगा, तो इस लोन पेयर पे पी करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां पर प्योर पी करेक्टर चाहिए, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो पी करेक्टर कम हो रहा है, इस
इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट में ही कन्वर्ट नहीं होगा और इसमें जो इन्वर्जन है देखिए 100 डिग्री के बाद ही होगा, उससे पहले इन्वर्जन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो बोथ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है बच्चों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर नो इन्वर्जन, यहां पर इन्वर्जन नहीं है रूम टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब है कि इनके आइसोमर सेपरेट किए जा सकते हैं। तो हम इनको काइरल भी कहते हैं और इनको हम ऑप्टिकली एक्टिव भी कहते हैं, ओके, क्योंकि यहां पर एटमिक इन्वर्जन नहीं होगा। हम एग्जाम्पल देखें क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स का, तो आप देखिए क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में यहाँ पर जो जो R1 है और R2 है, R3, R4 ये चार अलग ग्रुप हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स में। और अमीन ऑक्साइड अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर O नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पर H है तो वो अमोनियम सॉल्ट है, अगर यहाँ पर O माइनस है तो वो अमीन ऑक्साइड है। तो क्योंकि ये चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना सकती हैं। तो ये बच्चों यहां पर है, ये यहां पर 4 है और यहां पर क्या है 2 है। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना सकते हैं, इसका मतलब इनमें इन्वर्जन नहीं होगा। जो बैरियर है इन्वर्जन का वो बहुत हाई होगा, तो यहां पर इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आइसोमर अलग है और ये आइसोमर अलग है, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यस, ये दोनों भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है क्योंकि यहां पर इन्वर्जन नहीं होगा, ओके। तो आपने जो केस देखा वो क्या देखा, जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था केवल और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं था नाइट्रोजन के साथ, तो वहां पर एटॉमिक इन्वर्जन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन या क्लोरीन को ऐड किया तो एटॉमिक इन्वर्जन क्या हो गया, टाइट हो गया, और यहां पर इन्वर्जन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यानी अमीन सॉल्ट से है जहां पर R1 की जगह पर H है और अमीन ऑक्साइड से है जहां पर R1 की जगह पर O- है। सो दीज आर एनेंशियोमर्स, ये एनेंशियोमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। केस देखेंगे बच्चों फॉस्फिन्स का। फॉस्फिन्स के केस में भी आप देखिए ये फॉस्फोरस है और 3 ग्रुप और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये एटॉमिक इन्वर्जन पॉसिबल है? इनके केस में अगर आप देखेंगे फॉस्फिन्स के केस में ये जो फॉस्फोरस का साइज है इसकी वजह से ये एटॉमिक इन्वर्जन आसान नहीं है। यहां पर जो एनर्जी बैरियर है वो देखिए इथाइल प्रोपाइल फिनाइल फॉस्फिन के लिए ये बैरियर 124 किलो जूल पर मोल है, जबकि ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही इन्वर्ट होगा। ऐसे ही आप ये मॉलिक्यूल देखिए जहां पर आप देख रहे हैं इस नाइट्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, डायरेक्ट बाइंड है, तो यहां पर इन्वर्जन बैरियर कितना है 145 किलो जूल पर मोल। ये तो खैर नाइट्रोजन का कंपाउंड है, लेकिन फॉस्फोरस के कंपाउंड यानी फॉस्फिन्स के केस में ये जो बैरियर है ये प्रोसेस आसान नहीं है, ये इन्वर्जन आसान नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि ये बैरियर क्या होता है, बहुत हाई होता है। और इसको मैं साइज की के आधार पर इसको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो अब हम केस देखते हैं बच्चों फॉस्फिन का। तो अगर हम फॉस्फिन का केस देखें तो पी है, पी जिसका साइज बड़ा है, ओके, और यहां पर आपने देखा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ 3 ग्रुप्स जुड़े हैं R1, R2 एंड R3। अब आप रिकॉल करिए बेंट रूल को, जहां पर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा है बच्चों, साइज बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होंगी, लेस, बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। बॉन्ड एंगल जब डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो परसेंट पी करेक्टर होगा वो बढ़ जाएगा। इनमें बॉन्ड में क्या होगा बच्चों, परसेंट पी करेक्टर विल इंक्रीज, परसेंट पी करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ओके।
कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बड़ा एटम है, इसमें क्राउडिंग की दिक्कत नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे, कम। बॉन्ड एंगल कम होने का मतलब परसेंट एस पी करेक्टर बढ़ेगा या परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा। अब देखिए जो इन्वर्जन है वहां पर ये लोन पेयर को कहां जाना है, अगेन इनको जाना है प्योर पी ऑर्बिटल्स में। ओके, अब आप देखिए ये तो एस करेक्टर अधिक है, यहां तो ये जहां पर है वहां पर एस करेक्टर अधिक है, जबकि क्या चाहिए वहां पर प्योर पी, एस करेक्टर चाहिए ही नहीं लोन पेयर को, ट्रांजिशन स्टेट में एस करेक्टर नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, प्योर पी करेक्टर। तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है, एस ऑर्बिट, एस रिच ऑर्बिटल में है, लेकिन उनको क्या चाहिए, प्योर पी ऑर्बिटल। तो क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, सो नो इन्वर्जन। तो फॉस्फोरस या हम कह सकते हैं जो भी जो जो बड़े साइज के जो एटम है, यानी फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, बीआई है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे आप देखेंगे, क्योंकि इनका साइज बढ़ता जाता है इसलिए एनर्जी बैरियर इज टू हाई, एनर्जी बैरियर इतना हाई होगा क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये जो स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनमें परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहा है, जबकि यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल की ट्रांजिशन स्टेट चाहिए। सो द एनर्जी बैरियर इज टू हाई, सो दैट एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक इन्वर्जन सीजेज, एटॉमिक इन्वर्जन होगा ही नहीं बड़े मॉलिक्यूल्स में, बड़े जिनके सेंट्रल एटम होंगे उनमें एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होगा, इसीलिए फॉस्फेंस में भी एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होता है। अगर हम सल्फोक्साइड्स का केस देखेंगे बच्चों, तो यहां पर भी एनर्जी बैरियर बहुत हाई होता है, लगभग 160 किलो जूल पर मोल होता है, बट यहां पर कन्वर्जन एटॉमिक इन्वर्जन होता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि नॉन काइरेलिटी जो है वो यहां पर इतना जो जो साइज है एक्चुअल में जो सल्फर का, एक्चुअल में यहां पर जो बैरियर हाई है, देखिए एटॉमिक इन्वर्जन तो होता है बट बहुत जो बैरियर है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि सल्फर का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और सल्फर के साइज बड़े होने की वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एस रिच ऑर्बिटल में होता है, जिससे ट्रांजिशन जो जो स्टेट है उस पर जाना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए एनर्जी बैरियर हाई होता है। तो सल्फोक्साइड से है या फॉस्फीन से है, जहां पर आप देखेंगे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा वहां पर एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई, सो दैट दी एटॉमिक इन्वर्जन जनरली इट डज नॉट टेक्स प्लेस, और वहां पर क्या होगा कि जो आइसोमर्स, इसलिए वो क्या होगा क्योंकि एटॉमिक इन्वर्जन नहीं हो रहा है, एटॉमिक इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उनके आइसोमर्स क्या है, एनेंशियोमर्स, दे आर सेपरेबल। तो इस तरीके से बच्चों आपने इस लेक्चर में पढ़ा कि एटॉमिक इन्वर्जन क्या है। एटॉमिक इन्वर्जन क्या था, इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हैं और इसको हम अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। और आपने देखा ये कहां पर होगा, कहां पर होगा, जहां पर मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, दूसरा आपने देखा कि उसमें क्या होना है, पिरामिडल शेप होना है, और तीसरा आपने देखा कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होनी है। तो जहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वहां पर एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होगा। तो जहां पर हमने नाइट्रोजन के अधिकतर जो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स देखे, यहां पर एटॉमिक इन्वर्जन पॉसिबल है, आसानी से होता है, लेकिन अगर इस नाइट्रोजन को हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर दें तो जो एनर्जी बैरियर है वो बहुत हाई हो जाता है, वो इतना हाई हो जाता है कि एटॉमिक इन्वर्जन सीज, एटॉमिक इन्वर्जन क्या होता है, सीज हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि जो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसमें कन्वर्ट होना ट्रांजिशन स्टेट में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि नाइट्रोजन के जो पी रिच ऑर्बिटल है वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चले जाते हैं, तो इस लोन पेयर का पी रिच करेक्टर कम हो जाता है। ओके, और ट्रांजिशन स्टेट में ये पी
रिच होना चाहिए, आसानी से तभी ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर हम यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दें या फिर हम इसके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हटा दें और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट या अमीनो ऑक्साइड्स बना दें, तो वहां पर एटॉमिक इन्वर्जन सीज होता है। मतलब वो क्या होते हैं, वो एनेंशियोमर्स एपेट हो सकते हैं। दूसरा आपने देखा सल्फोक्साइड्स का केस, तो सल्फोक्साइड्स के केस में आपने देखा कि यहां पर जो एनर्जी बैरियर है बहुत हाई है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो गैस सल्फर है, तो यहां पर भी एटॉमिक इन्वर्जन उतना आसान नहीं है, मुश्किल है। फिर आपने देखे फॉस्फिन्स के केस में आपने देखा कि जो एटॉमिक इन्वर्जन है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस, और बड़ा साइज होने की वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एस रिच ऑर्बिटल में होता है, इसलिए उस एस रिच को प्योर पी ऑर्बिटल में जाना यानी ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना टफ, सो एटॉमिक इन्वर्जन यहां पर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसमें एटॉमिक इन्वर्जन हो रहा है तो वो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसमें एटॉमिक इन्वर्जन नहीं हो रहा है, नो एटॉमिक इन्वर्जन, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो इस बेसिस पर हम ये भी बता सकते हैं बच्चों कि किसके एनेंशियोमर्स रिजॉल्वेबल हैं, क्योंकि एनेंशियोमर्स उसी के रिजॉल्वेबल होंगे जहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी यानी एटॉमिक इन्वर्जन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक इन्वर्जन रिएक्शंस इन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल discuss about the next reaction, that is Berry pseudo rotation. So thank you very much.